फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यह इलेक्ट्रिक में। तो जैसा कि मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वही मोटर है जो मैं पिछली वीडियो में आपको बताया पीछे वाली में। और इसमें क्या हुआ था, जैसे मान लीजिए मोटर हाई एम्पियर ले रही थी, मैं इसका कॉइल वाइल सब चेक किया और इसमें कुछ मिला नहीं, तो मैंने इसे कट कर दिया। और कट करके देखिए, नया बाइंडिंग करने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम एक ही था, जैसे कि ये डबल डबल करके मतलब 25-26 वायर को 22 नंबर बनाया गया था, जबकि ये कंपनी का ओरिजिनल डाटा नहीं होता है। ये कंपनी के ओरिजिनल डाटा में मोटर 22 नंबर गेज से भरी होती है रनिंग, और 25 से स्टार्टिंग। तो इसमें क्या किया गया था, 25 से स्टार्टिंग तो भरा गया था और 22 से जो है कि 22 को मतलब 25-26 को मिला के 22 बनाया गया था। वार्निश बिल्कुल देखिए एकदम मतलब ना के बराबर इसमें डाला गया था, देख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ होगा कि थोड़ा बहुत पानी वानी गया होगा तो मोटर में वाइब्रेशन पैदा हुआ होगा वार्निश की कमी से। तो वाइब्रेशन की वजह से मान लीजिए घर्षण पैदा होता है तो पॉलिश में लीकेज की संभावना हो जाती है, पॉलिश कट भी सकता है, कट भी जाता है। और पानी की वजह से ये वायर आपस में मतलब जैसे पूरे वायर आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, एक तरह शॉर्ट कहिए, शॉर्ट सर्किट करने लगते हैं। तो इसके वजह से मतलब समझ लीजिए कि पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल बनना बंद हो जाता है और मोटर जैसे घूमना बंद कर देती है। तो इसमें ये दिक्कत हुआ था मेरे ख्याल से कि नॉर्थ पोल साउथ पोल बनना ही बंद हो गया था। मतलब जो इसका सिस्टम होता है बनने का, जो दोनों कॉयलों में जो आपका मैग्नेटिव पोल बनता है, एक साइड मतलब नॉर्थ पोल बनता है, एक साइड साउथ पोल बनता है जो मोटर को रन कराने का काम करता है। तो बिल्कुल बनना मतलब बनना बंद ही हो जाता है, एक तरह से कहिए तो उसका सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो मैं अब इसको देखिए, मैं इसका कॉयल अपने खुद हाथ से लपेट कर बनाया हूँ फर्मे पे। फर्मा भी देख सकते हैं, एक नंबर साइज का फर्मा है पीवीसी का। मैं अब इसका बाइंडिंग मतलब करके आपको चला के, और डाटा तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ डाटा मैंने क्या लगाया और कंपनी का कितना होता है। तो जैसा मैं देखिए, मैं लिख के भी आपके सामने मतलब रखा हूँ। और मैं इसका कनेक्शन आपको बार बार ही कॉइल से ही समझा दूँगा, डालना कैसे वो भी बता दूँगा। तो ये किलोस्कल लिफ्टर 60 है, देख सकते हैं, आधा HP में है। एम्पियर इसका है 3.4। रनिंग कैपेसिटर है 15 MFD। RPM 2700। आप स्लिप में भी देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। फ्रीक्वेंसी इसका 50 Hz जो है, और कंपनी का डाटा आता है कॉपर तार में, मतलब साइज उसका होता है SWG 22 नंबर जो कंपनी से आता है, एकदम फिक्स साइज है। मैं बहुत मोटर बाइंड कर चुका हूँ इस मॉडल में, तो सभी में 22 नंबर ही मिलता है रनिंग। और ये आपका स्टार्टिंग का साइज हो गया, कॉपर में रहती है तो एक कॉपर में ही आती है। किलोस्कर कंपनी अच्छी कंपनी का मोटर है। तो इसका स्टार्टिंग का हो गया आपका 25 नंबर डाटा, ये हो गया स्टार्टिंग और ये हो गया रनिंग। तो क्या होता है, कंपनी जब भर के देती है तो कंपनी का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। ये 52 टन मतलब रनिंग के सारे सेट में 52 टन 52 टन, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, चारों में बराबर सेम होता है 52 टन। और स्टार्टिंग में आपका होता है लगभग मान के चलिए 1 से 12 में 100, किसी में 103 रहेगा, किसी में 2 रहेगा, यही मतलब रहता है। और ये मान लीजिए कंपनी का डाटा है मैं बता रहा हूँ आपको। अब इसमें क्या करना है, इसमें आप बहुत अधिक से अधिक कर सकते हैं जैसा मैंने किया है। मान लीजिए मैं इसको मतलब अपने हिसाब से बनाया है कॉइल, तो इसमें क्या किया, इसमें रनिंग में 2-2 टन 2-2 टन सब में, मतलब रनिंग में ज़्यादा नहीं 2-2 टन बढ़ाया हूँ और इसमें 2-2 टन बढ़ाया हूँ। तो मान लीजिए मैं इसको कर दिया हूँ 105 105, और इसको 54 54 54 54। तो आपको डाटा समझ में आ गया, मेरा बनाया हुआ डाटा मतलब सारे में 2-2 टर्न बढ़ा है, बाकी सब सेम है। आप अगर सेम कंपनी का डाटा डालते हैं तो आपको स्टैंडर्ड वायर एकदम ओरिजिनल कंपनी का रखना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी मतलब तार तो भाई स्टैंडर्ड ही रखना पड़ेगा। तो देखिए मैं रनिंग का यहाँ 4 सेट बना लिया हूँ, 2-2 सेट स्टार्टिंग का, देखिए 25 नंबर।
और पिछला मैं आपको भी दिखा भी दिया हूँ, उसमें दो वायर लगा के डाटा बनाया गया था, किसी बंदे ने भरा होगा। तो मैं अब इसको अब डालने का पर्पज क्या रहता है, मैं पिछली वीडियो में भी आपको क्वाइल डाल के दिखाया हूँ। तो ये सेट आपका देखिए, एक से छः वाला सेट है, और ये एक से मतलब बाहरी वाला है, एक से बारह वाला सेट है। तो बाहरी वाला देखिए मैं बड़ा करके रखा हूँ, इनर जो होता है मतलब छोटा का इनर जो होता है एक से छः वाला क्वाइल को, इसको छोटा किया हूँ। तो डालने का सिस्टम है, मान लीजिए आप ऐसे क्वाइल पलट के मैं डालता हूँ, ऐसे करके डालता हूँ तो सेम ऐसे ही पड़ेगा ये इसके अंदर। मतलब डालेंगे इस साइड से और डालना शुरू करेंगे कहाँ से, यहाँ से आप यहाँ से डालना शुरू करेंगे इस ऐसे। ये छेद के साइड में मत डालिए, जो होल होता है वो मतलब लीड निकालने के काम में आता है। तो एक ऐसे रहेगा और एक सीधा इसके ऊपर, मतलब ऐसे रहेगा अपनी साइड में, ये जब घुमाएंगे तो अपनी साइड में आ जाएगा, और एक ऐसे साइड में रहेगा। तो डालने का मतलब सिस्टम यही है, इसको ऐसे रखिए, इधर से डालते हैं तो इस साइड में, और इसको आप डालिए, मतलब मैं बता दे रहा हूँ, इसके ठीक विपरीत रहेगा। तो इसके मान लीजिए इस साइड में इसको डालते हैं तो उस साइड में आप ठीक इसके विपरीत पलट के डाल सकते हैं, ऐसे रहेगा। तो इसको क्या करना है, इस साइड जो बड़ा वायर दिख रहा है बड़े क्वाइल का, तो पड़ता है तो मान लीजिए ये बड़े बड़े क्वाइल वाला आपस में ये दोनों तार आपस में ज्वाइंट हो जाता है और ये सीरीज तैयार हो जाता है। और ये ज्वाइंट हो जाएगा बड़े बड़े क्वाइल का आपस में, और आपका सीधा दो रनिंग बाहर निकल जाएगा, और ये जो क्रॉस में आएगा देखिए क्रॉस में आ रहा है, और ये बड़ा वाला भी क्रॉस में आएगा। तो एक सीधा एक उल्टा पलट के मतलब दोनों साइड में मतलब ऐसे आपका पलट के डालना पड़ेगा ऐसे। अगर एक साइड से इधर से डालते हैं तो एक साइड से आप इधर से डालिए, और डालने के बाद क्या कीजिए, ये इसका बड़ा हो गया, इसका बड़ा हो गया, ये दोनों आपस में ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने मान लीजिए इसको ऐसे डाल दिया, ठीक ऐसे डालना है तो ऐसे पूरा सेट डाल दिया है सारे स्लाटों के अंदर। तो मेरा ये स्लाट कंप्लीट हो गया, तो मैं जाऊँगा उस साइड में, तो मैं इस साइड में आ गया, तो ठीक मेरा ये भी स्लाट ऐसे ही पड़ेगा, तो ऐसे ही मेरा पड़ेगा ये भी स्लाट। तो कुछ कंडीशन देखिएगा ऐसे हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं इसको नचाऊंगा तो वैसे ही बनेगा, देखिए सेम एकदम वैसे ही बनेगा। मतलब दोनों साइड से आप डालेंगे तो यही प्रोसीजर होगा एक ए साइड का डालने का, और देखिए क्वाइल का कनेक्शन क्रॉस में आपका ऐसे आ जाएगा। मैं अब आगे आपको डाल के थोड़ा दिखा भी दे रहा हूँ कैसे करना है। तो क्रॉस पड़ता है, क्रॉस से भी आपका कनेक्शन दिखेगा, ये दोनों रनिंग हो जाएगा। सेम उसी तरह स्टार्टिंग को भी डालना है। तो मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं क्वाइल जल्दी जल्दी डाल के आपको, अगर इसका एम्पियर की बात करें तो बहुत हाई एम्पियर ले रही थी, 12 के आसपास, तो मैं डाल के आपको दिखा दूँगा अभी, तो आप समझ गए होंगे। आप इसको पलट के भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जब ये वाला डालेंगे तो आपको क्रॉस में चाहिए, ये दोनों क्रॉस में ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से आसान लगता है, मैं सारा मतलब मोटर भरता हूँ तो ये छोटा जो क्वाइल होता है अपनी दिशा में रखता हूँ, अपने साइड में इसको उस साइड में रखता हूँ, और सेम जब ये भर जाता है तो पलटता हूँ तो फिर वही कंडीशन आता है, इसको अपने साइड में रख लेता हूँ, इसको अपने साइड में, और ये दोनों बड़ा बड़ा जो बाहर का क्वाइल होता है आपस में ज्वाइंट हो जाता है, ज्वाइंट होके ये मतलब अंदर बंद हो जाता है, इसमें बन जाएगा ज्वाइंट होके, और ये दो आपस छोटा छोटा क्वाइल का मतलब ये वाला, ये दोनों जुड़ जाएगा और ये दोनों बाहर निकल जाएगा। 7 नंबर PVC पेपर है, मैं इसको हटा लेता हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ये डाटा है इसका, कंपनी का डाटा है, आप बढ़ा के दो दो टर्न डालिए, कोई मुश्किल नहीं है, कम मत डालिए, इससे कम डालेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब मोटर गर्म चलने लगेगी और गर्म चल के ख़राब भी हो जाएगी। तो मैं इसको, और एक बात और जान लीजिए कि मतलब कि पहला क्वाइल ही डालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब छोटा क्वाइल होता है
उसके बाद आप डालेंगे तो जल्दी जल्दी मतलब डल जाता है और सारा कॉइल। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है, छोटा कॉइल थोड़ा मोटा तार होने की वजह से टाइम ज़्यादा लेता है। पहला कॉइल में टाइम ज़्यादा लगेगा, उसके बाद आप डालते जाएंगे आराम से पड़ते जाएगा। तो देखिए मैं छोटा कॉइल का ये सिरा मतलब इन वाला सिरा, पहला जो तार इन होता है वो सिरा अपनी तरफ ले लिया हूँ और धागे को मैं कट कर दे रहा हूँ। मैं मशीन का प्रयोग नहीं करता हूँ, डालते समय मान लीजिए मैं उसी से कॉइल बना लेता हूँ। मैं फार्म में आपको दिखाया भी हूँ और मैं देख लेता हूँ होल इसका। हाँ होल तो सही है, मतलब गलती से आप होल का रनिंग के साइड में होल कर देंगे तो फिर आपको लीड निकालने में बहुत दिक्कत होने लगेगी। थोड़ा रुकिए मैं इसको डाल के दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि देख रहे हैं मैं पहला कॉइल का सेट देखिए डाल चुका हूँ और डालने से मान लीजिए डाल के आप अगर डाल के छोड़ते हैं ठीक, तो आप इसको सेप देने के लिए थोड़ा मान लीजिए जैसे लोहे लकड़ का प्रयोग अंदर बाइंडिंग के अंदर मत कीजिए भाई, पहले बता दे रहा हूँ। और मान लीजिए आप करेंगे तो आपका तार ख़राब होगा, पॉलिश कट जाएगा। और थोड़ा थोड़ा सा हथौड़ी और ये जो बांस की फट्टी होती है उसका प्रयोग करके आप ऐसे ठोक के सेप दे सकते हैं। मतलब ये बांस की फट्टी को ही वायर पे, बांस की फट्टी को ही वायर पे आप डाल के। तो जैसा कि देखिए मैं पहला सेट डाल दिया हूँ और चार स्लॉट बीच में स्टार्टिंग के लिए छोड़ा हूँ। मतलब दो स्टार्टिंग का इस साइड से, दो इस साइड से चार स्लॉट छोड़ दिया हूँ स्टार्टिंग का है। और रनिंग का एक से छः पड़ गया है, एक से आठ पड़ेगा, फिर एक से दस पड़ेगा, फिर एक से यहाँ से बारह पड़ेगा। फिर सेम उसी टाइप में मतलब रनिंग का एक सेट इधर पड़ेगा इस साइड में और एक साइड अपना मैं डाल ही रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ। और थोड़ा सेप देने के लिए मैं बताया उन्हें ऐसे रख के आप हथौड़ी से चोट मार सकते हैं। और कॉइल दूसरा जब डालना हो तो आप देखिएगा ये वाला तार आपका इस साइड में आना चाहिए और ये लूप इधर की ओर, इधर मतलब बाहर साइड उस साइड निकलना चाहिए, क्योंकि ये लूप इधर है एक साइड का, तो एक साइड का इधर निकलना चाहिए बराबर सभी में। किसी भी मोटर का आप डालेंगे तो ये तरह इसी तरह से निकलेगा। और डालने के बाद मैं अब कंप्लीट इसको, और देखिए लिप्टर 60 का सेम साइज होता है बॉडी, इसका इनर डाया आउटर डाया लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 60 में सबका सेम साइज ही सेम रहता है। तो इसका देखिए पंप है, पंप भी देख सकते हैं और ये मोटर है। तो मैं अब इसकी कंप्लीट वीडियो मतलब अब मतलब फाइनल बांध के और अब बता भी दिया हूँ, और पिछली वीडियो भी देख सकते हैं मैं पूरा कॉइल डाल के भी बता चुका हूँ। तो फाइनल करके मैं आपको चला के इसका एम्पियर बस दिखा दूंगा आपको, और दिखाने के बाद आपको मतलब आप मेरे सामने भी है भाई एम्पियर, तो मुझे भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि हाई एम्पियर की वजह से बन रही है मोटर। तो हम ही अभी मान लीजिए भर रहे हैं तो अभी कैसे बता सकते हैं कि ये क्या मतलब कंडीशन इसकी क्या आएगी, तो भरने के बाद ही मैं आपको क्लियर बता सकता हूँ। क्योंकि मान लीजिए कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, फिर मैं कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा एम्पियर। अगर भाई वीडियो अच्छी लगे तो भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल मतलब वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, सपोर्ट हमें भी कीजिए। तो मैं अब इसको कंप्लीट करके ठीक है मैं आपको चला के दिखाता हूँ, मतलब कंप्लीट करूँगा फिर बांधूँगा वार्निश डाल के, कंप्लीट इसको बांध के डाल के चला के आपको एम्पियर चेक करा दूँगा। तो मैं इसको अब कर रहा हूँ, देख रहे हैं फ्रेंड से हमारा बाइंडिंग होकर तैयार हो गया है मोटर। और इसका मैं पेपर अंदर मतलब अंदर दबा दिया हूँ, सारा पेपर दब गया है। और इसको मैं अब आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ, अभी मैं वार्निश नहीं किया हूँ और मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं वार्निश करके सुखा के फिर अपना डाल के कस्टमर को दे दूँगा। तो केवल बस चेकिंग के लिए मैं इसको बांध रहा हूँ। तो मैं इसको अब बॉडी में डाल देता हूँ, डाल के देखिए मैं मार्किंग किया हूँ आगे साइड में पड़ेगी, तो डाल दिया। डालने के बाद इसका कैप लगा रहा हूँ और आपको चला के एम्पियर दिखा रहा हूँ। मान लीजिए हमें भी देखना ही पड़ेगा ना, तो जो मैं इसका नट गली गली टाइट कर ले रहा हूँ
ड्राइव करके कनेक्शन करके आपको दिखा रहा हूँ। चलो ये मैं इसका पीछे का कवर कस लिया हूँ और मैं पहले इसका बॉडी और चेक कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा रनिंग सप्लाई है और बल्ब ग्लो कर रहा है और स्टार्टिंग सप्लाई है। तो मैं एक एक अलग अलग सप्लाइयों का दोनों का बॉडी और चेक कर ले रहा हूँ। बॉडी में कोई अर्थिंग नहीं है। अब देखिए वायरिंग वही है पुराना वाला ही, कंडेंसर भी वही है पुराना वाला ही। और मैं आपके सामने इसको चेक करके देखिए मैं एम्पियर मीटर सेट कर ले रहा हूँ, आपको चेक करा दिखा दे रहा हूँ। तो ये वो किसी को मैं एक को कामन बना लिया और दो सप्लाई अपना कंडेंसर पर, एक स्टार्टिंग पर एक रनिंग पर दे दिया। और रनिंग हमारा नीला सप्लाई है, नीला वाला। तो नीला नीला पे हम सप्लाई देंगे मोटर को और देखते हैं किधर ये घूमती है। 40 का उल्टा एक सीधा है। तो अभी हम इसको मेन में डाल के चेक करते हैं। मेन में डाल दिया है और देखिए मोटर उल्टा घूम रही है। तो क्या करेंगे, अब उल्टा घूम रही है तो हम देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। ये अपना रनिंग सप्लाई है और ये स्टार्टिंग देखिए कंडेंसर में जुड़ा है। तो स्टार्टिंग सप्लाई बस पीला वाला सप्लाई ही चेंज करना है, रनिंग का नहीं चेंज होगा। पीला इस साइड से इस साइड आ जाएगा, इस साइड से इस साइड। तो मैं स्टार्टिंग का सप्लाई चेंज करके देखिए अब मैं इसको कामन बना लिया। अब मान लीजिए 40 का सही दिशा में हो जाएगा, बस इतना ही करना पड़ता है। अब मैं इसको चला के देखता हूँ कंडीशन। पहले तो ये चल ही नहीं रही थी, एक जगह खड़ा हो जा रही थी। अब इस पर डालने जा रहा हूँ। तो देखिए मेन अपना नीला है, नीला नीला पे मेन सप्लाई में डाल दिया। और एम्पियर चेक करने के लिए देखिए मैं अब इसमें एक वायर में, किसी में एक वायर में पहले मीटर लगा लेता हूँ और वायर को थोड़ा दूर दूर करके। और अब इस पर आप ध्यान दीजिएगा एम्पियर मीटर पे, तो कितना एम्पियर उठाता है स्टार्टिंग के टाइम पे और कितना रनिंग के टाइम पे। स्टार्टिंग और रनिंग दोनों एम्पियर चेक कीजिए, देख लीजिएगा आप लोग। तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, देख रहे हैं 1.9 एम्पियर। तो मोटर 1.9 एम्पियर ले रही है। तो क्या होता है एम्पियर मतलब वोल्टेज के हिसाब से भी थोड़ा कम बेसी होता है, लेकिन अब ये देखिए हाई एम्पियर बिल्कुल नहीं ले रही है। और थोड़ा बैरिंग से मान लीजिए पुरानी मोटर है, थोड़ा आवाज़ है, मैं बैरिंग भी चेंज कर दूंगा अगर मान लीजिए बोलेंगे तो थोड़ा आवाज़ है। लेकिन देखिए ये इसका एम्पियर एकदम सही हो गया है। तो मैं एक बार और आपको चालू करा के दिखा दे रहा हूँ। बैरिंग मुझे लगता है बैरिंग पूरा ख़राब हो गया है और इसका एम्पियर भी अब मान लीजिए पहले के हिसाब से मतलब 3 एम्पियर पर 3.4 एम्पियर कंपनी का 1.4 एम्पियर ये फिलहाल ले रही है। तो मैं इसको वार्निश करके सुखा के फिर रेडी कर दूंगा और वायरिंग वायरिंग जो भी बदलना रहेगा मैं बदल के कस्टमर को दे दूंगा। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं फिर इसी ऐसी किसी वीडियो के अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।